ये देखिए, मैं इस समय ब्रोचा हॉस्टल में हूँ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल माना जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, BHU में है ये। मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसा है ये हॉस्टल। पूरा तो कवर नहीं कर पाऊँगा, बट इतना होगा मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये सामने लॉन है इसका, और इसके जस्ट बगल में उधर देखिए तो मेरा हॉस्टल है, डालमिया हॉस्टल, जिसमें मैं रहता हूँ। उसमें साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, और यहाँ पे ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहते हैं। हाँ देखिए, मैं आगे चल रहा हूँ, और ये देखते जाइए, बहुत लंबा ये हॉस्टल है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एशिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा हॉस्टल है। यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जो इसके एंट्री पे है, वो ये एक वेव टाइप में इसका कटिंग जो किए हैं वो है। इसको मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, देखिएगा काफ़ी खूबसूरत लगता है, मुझे तो बिल्कुल खूबसूरत लगता है। ये देखिए, और यहाँ पे अलग अलग कलर्स के आपको रोज़ेस दिख जाएंगे, गुलाब जो देखिए, जैसे ये वाइट है, पिंक है, वहाँ येलो है। और ये देखिए, ये सामने से ये इसका व्यू है, ध्यान से देखिए, वहाँ पे लिखा है सांगी दास सापुर जी ब्रोचा हॉस्टल। ये फिर से आगे और भी है, ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे थोड़ा दूर तक है ये। और जैसे BHU में तो हर जगह ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ का जो इंटरनल ग्रीनरी है वो काफ़ी खूबसूरत है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम टेम्परेचर की भी बात करें तो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है अंदर, और ठंडी यहाँ पे अंदर ज़्यादा ही लगता है एज़ कम्पेयर टू बाहर। जैसे कि हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ एकदम लगता है कितना एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। बाकी मैं अभी आया हूँ यहाँ पे चाय पीने ब्रोचा हॉस्टल में। ये आगे तक है, वहाँ तक जहाँ आपको एक वेव टाइप में दिख रहा होगा, ये मुराया पेनिकुलाटा का ये जो प्लांट लगा ना, ये फेंसिंग के लिए, वैसे वो आगे देखिए वहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, सर ये जूम नहीं हो सकता है, जूम नहीं होगा, बट क्योंकि मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। ये अब देखिए, मैं एंट्री ले रहा हूँ अंदर हॉस्टल में, और मैं इसमें 4 कैंटीन चलते हैं, 4 मेस भी चलते हैं। देखिए इधर से एंट्री करके लेक्चर एंड डिस्कशन रूम आ जाता है, और फिर से ये स्टूडेंट हैं, और ये मैं एंट्री कर रहा हूँ। इसका एक पोर्शन इधर है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरा हॉस्टल है, ये पूरा हॉस्टल है, और वहाँ पे एक मेस है पेड़ के पास, और वहाँ पे एक मेस है, वहाँ पे एक कैंटीन है एक्चुअली। और मगर मैं इस साइड जाता हूँ, इधर से मैं एंट्री किया था उसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि उधर का जो कैंटीन है उसमें विवेक करके एक लड़का है, वो चाय बहुत शानदार बनाता है, तो मैं वो पीने जा रहा हूँ। इसके अगर ब्रोचा में कोई फंक्शंस होता है तो उसके लिए यहाँ पे स्टेज भी बना हुआ है, बैक स्टेज में बच्चे कपड़ा वपड़ा अपना जो चेंज करना होता है वो करते हैं, और फिर से यहाँ स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है, और उधर गाड़ी उड़ी रखने के लिए भी बना हुआ है। मैं उधर चलता हूँ, अभी उसी साइड से होके चलूँगा, और यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, दो बैडमिंटन कोर्ट है। और अंदर अगर रूम में देखेंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, टेनिस कोर्ट भी है, टेबल टेनिस। देखिए यहाँ पे देखिए, काफ़ी सुंदर ये पौधा है,
मुझे इसका नाम नहीं मालूम है बट ठीक है। और ये गार्डेनिया का प्लांट है, ये अशोका लॉन्गिफोलिया, हम लोग इसको बॉटेनिकल नेम बोलते हैं अशोक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं अशोकी, इसका नाम अशोका लॉन्गिफोलिया है। और यहाँ पे देखिए गुलाब लगे हुए हैं, ये देखिए मैं इधर से आ रहा था, आपको रास्ते के थ्रू फिर से अंदर से दिखा रहा हूँ कैसा है ब्रोचे का इंटरनल। मैं उस वहाँ पे कैंटीन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वार्डन सर की कार रखी जाती है, और ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे कार और या फिर कोई भी बाइक वाइक अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो रखते हैं, सिर्फ ऑफिशियल्स के रखने के लिए है, स्टूडेंट अपना सब बाहर रखते हैं। और ब्रोचा में ये रूल है कि जिनके पास बाइक है वो गेट के बाहर बाइक रखेंगे अपना, सिर्फ साइकिल अंदर आएगी। यहाँ पे देखिए चिड़िया, कितने ज़्यादा चिड़िया हैं। ये देखिए मैं अब कैंटीन में आ गया हूँ, और कैंटीन के पीछे के दूर से मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर से आ रहा था दूसरे वाले रास्ते से, इसलिए मुझे पीछे गेट से आना पड़ा। चाचा हैं जो कि बनाते हैं पराठा वराठा, ये विवेक, खत्म।